गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? हैप्पी होली टू ऑल। आपको पता है जैसा कि होली निकल के गई है और मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि होली के चक्कर में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी और आप सबको मेरे ब्लॉग्स मतलब होली के ब्लॉग्स चाहिए थे। तो मैं लास्ट में वीडियो के एड ऑन कर दूंगी, हमारे यहाँ कैसे होली सेलिब्रेट होती है वो सब मैं आपको दिखा दूंगी। आप लास्ट तक देख लेना मेरे ब्लॉग, शायद मैं बीच बीच में होली की पिक्चर्स डाल दूँ। आप देखना हमारे यहाँ कैसे सेलिब्रेट होती है। तो होली के बाद थोड़ा ट्रैफिक जैम था, क्योंकि यहाँ है ना वृंदावन में सब लोग होली खेलने आते हैं और मैं मथुरा से हूँ। आपको पता है कितनी भीड़ रहती है और कितने लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं जो कि मथुरा में होली खेलने आते हैं। और सौभाग्य देखिए हमारा कि हम खुद होली खेलने कृष्ण की जन्मभूमि में नहीं जा पाते, तो हम नहीं जा पाते तो हम बहुत दिन बाद लाइब्रेरी आए थे। हाँ, तो मेरे ब्लॉग्स डिलीट मत करना ना, स्किप करना, आप लास्ट तक देखना कि मैंने होली के ब्लॉग उसमें डाले हैं, आप देख लेना, क्लिप्स डाली हैं मतलब। तो हम आ गए थे लाइब्रेरी और हमारा कुछ ऐसा हाल था, और मैंने ना होली के रंग बड़ी मुश्किल से छुटाए चेहरे पे से। काफ़ी टाइम बाद लाइब्रेरी आई थी, थोड़ा बोरियस सी महसूस हो रही थी, तो हमने एंट्री फिल कर दी थी क्योंकि स्टार्टिंग में आके एंट्री करनी होती है। तो हम दोनों चले गए लाइब्रेरी के अंदर, उससे पहले हमने पानी वानी पिया क्योंकि हम थके हुए थे, बहुत दूर तक हमें पैदल चलना पड़ता है और लाइब्रेरी में बहुत कम बच्चे थे, या तो सारे लोग होली खेलने जा चुके हैं इस वजह से अभी तक नहीं आए, हम ही आ चुके हैं। तो हमने सबसे पहले अपनी लाइट ऑन की, अपनी सीट की और सरस्वती माँ को प्रणाम किया और बैठ गए सीधा क्लास लेने। उससे पहले हम थोड़े मौज मस्ती कर रहे थे क्योंकि लाइब्रेरी में कोई नहीं था, थोड़ा डांस मूव कर रहे थे। तो जैसे ही मैंने डांस स्टार्ट किया ना, निधि बोलती है यहाँ कैमरा लग रहा है, लाइब्रेरी वाले सर देख लेंगे। तो हम उसी को चेक करने लग गए कहाँ लग रहे हैं, और हमें हंसी आ रही थी यार, वो हमको देखते होंगे तो क्या करते कहते होंगे कि मतलब लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, मस्ती करने आते हैं। पर नेवर माइंड कि हमें ना इतना नहीं मस्ती करते, हम आते टाइम थोड़ा बैठने से पहले थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, उसके बाद हम लग जाते हैं अपनी ही क्लास में। तो आप लोगों में से बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि मैं है ना मेरा मैथ कैसे सही हुआ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मेरा मैथ कैसे सही हुआ। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ अपनी क्लास लेने, और मेरी दोस्त है वो मेरे को पढ़ने नहीं दे रही थी, थोड़ी शरारती कर रही थी, कह रही थी कि आज नहीं पढ़ते, पर फिर भी हमने क्लास ली, जितना हमसे हो सका उतनी आज क्लास ली क्योंकि फर्स्ट डे था। तो हमने ये सोचा कि अभी बैठने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लाइब्रेरी में आओ शांति में, और होली का ऐसा त्यौहार है ना शोरगुल वगैरह में रहती हैं, तो इस वजह से। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपना इंग्लिश, इंग्लिश में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। आपको पता है कितना ज़रूरी होता है आपको, और मैंने पता है आप कह रहे होंगे कि मैं इंग्लिश की क्लास अक्सर नहीं लेती, आप आज क्यों ले रही हूँ? आज मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरा स्टेनो का एग्ज़ाम आने वाला है, जो कि है इफको, EPFO, इफको स्टेनो। तो उसमें क्लासेस हैं, उसमें ज़्यादा वैकेंसीज नहीं हैं, शायद 19 या 18 वैकेंसीज हैं, और मैंने स्टेनो में फॉर्म डाला है, और मेरे को अभी है ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश, क्योंकि उसमें इंग्लिश भी है और बहुत सारे एग्ज़ाम ना इंग्लिश आ रही है, मेरे को इंग्लिश ज़रूरी था करना। तो मैं इधर दोस्त का देखती हूँ, दोस्त क्या कर रही है, तो बहुत सीट पर नहीं थी, चार्जर लगा के और बुक ओपन करके कहीं चली गई थी, शायद उसका फ़ोन वोन आया था तो शायद वहाँ बात करने गई। और मेरी सेकेंड क्लास चलती है जिसमें मैं कर रही थी मैथ, और मैथ में मैं कीवर्ड वगैरह क्यूब वगैरह पढ़ रही थी, उनके उनके एग्जाम्पल्स वगैरह सिंबल्स वगैरह सब देख रही थी, क्योंकि इसमें ना रटने की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, जैसे कि रूल्स रट लो, जैसे कि फॉर्मूलाज याद कर लो, तो वो सारी चीज़ें मैं याद कर रही थी। तो आप बताना, आप ये वाली ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, या आप छोड़ देते हो? तो अभी फ़िलहाल मैं ये वाली मैथ कर रही थी जो एडवांस मैथ होती है, वो मैं पढ़ने बैठ गई, तो इसमें मैं पकने लगी बहुत देर तक, मतलब फिर भी मन नहीं लगता ना, फिर भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि मैथ को आप जितना पीछे मैथ से जितना डरोगे ना, उतना ही मैथ आपको डराएगी। तो मैंने ये सोच के मैथ में ज़्यादा फोकस कर लिया, तो अभी इजीली मेरे से मैथ हो रही है। तो आप भी एक बार देखना कि आपसे मैथ हो रही है कि नहीं, प्रीवियस ईयर के जितना हो सके क्वेश्चंस लगाओ, आपकी मैथ पक्का ठीक होगी। यहाँ हम करने वाले थे क्या, मॉक टेस्ट। तो मैं और निधि एक मॉक टेस्ट दे रही थी कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो हमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। हम क्या है ना, हम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे थे, जैसे कि हमने हिंदी का पढ़ा तो हिंदी का दे दें, या फिर हम सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते थे कि हिंदी का प्रॉपर दे दें, मैथ का दे दें, इंग्लिश का दे दें, तो हम वही पढ़ने वाले थे। अभी फिलहाल हम मैथ का लगा रहे थे मॉक टेस्ट, और मैथ का सॉरी रीजनिंग का एंड हिंदी का मॉक टेस्ट लगाने वाले थे। तो उस फिर मैं चलती हूँ अपनी पॉलिटी पे, पॉलिटी पे थोड़े बहुत क्वेश्चन याद किए मैंने, अपना प्रीवियस ईयर का भी देखा, आगे भी क्लास ली और पॉलिटी खत्म की। इतना थक जाते हैं ना यार कि एक बार इतना एंजॉयमेंट करके आप होली खेलो, फिर दोबारा अपनी ही लाइफ में लग जाओ, वही पढ़ाई वही स्टडी, मतलब
अब मेरी लाइफ ना ऐसी बन गई है, घर से आऊँ, पढ़ो लिखो, घर जाऊँ, मतलब ऐसा लग रहा है कोई लाइफ ही नहीं रही। तो आप बताना आपकी लाइफ में क्या इन्जॉयमेंट है लाइफ में, या फिर बोरियत चल रही है, पढ़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं, या डर है कि नंबर आएगा या नहीं आएगा। मेरा तो, मेरे को तो बहुत डर लगता है, पता नहीं आगे चल के क्या होगा। अभी मैं ले रही हूँ हिंदी की क्लास, मेरी पॉलिटी ख़त्म हो गई थी तो मैं यहाँ हिंदी याद कर रही थी। अब हिंदी में भी मैं ब्लोम शब्द भी देख रही थी और थोड़ा मैं चैप्टर वाइज याद कर रही थी। अभी मैं सर्वनाम फेर रही हूँ तो वो रिवीजन कर लूंगी, क्योंकि मैं एक चैप्टर, एक डेली चैप्टर रिवीजन करती हूँ। ऐसा नहीं आधा चैप्टर पूरा ही खत्म कर देती हूँ, क्योंकि पहले का मैंने यूपी पुलिस का पढ़ रखा है तो मेरे को रिवीजन करने में आसानी रहती है, और मैं पूरा ही एक चैप्टर कवर कर लेती हूँ। ये मेरी पीछे से दोस्त है ना, मेरे को देखे जा रही थी और थोड़ा मौज मस्ती कर रही थी कि शायद मैं उसका टाइम, अब मेरा मुंह थक गया था बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते। और यहाँ मैं की पॉइंट्स लिख रही थी, जो भी मेरा मतलब मैंने क्या क्या पढ़ लिया है आज का टॉपिक में। तो आज मैंने लास्ट में लिखा था, मैंने पॉलिटी भी पढ़ ली थी, मैंने मैथ कवर की, और मैंने दोबारा पॉलिटी लिख दी थी तो वो काटी। फिर मैंने स्टैटिक जी के लिखा, स्टैटिक जी के मैंने पढ़ा था, यूपी जी के पढ़ा, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्लिप्स इसमें नहीं डाली, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी आपको कुछ समझाऊँ या बताऊँ, वो भी आप मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने 5 टॉपिक क्लियर किए थे, एक मॉक टेस्ट लगाया था। अगर मैं मॉक टेस्ट को लगाती हूँ तो मेरे 6 हो जाते हैं, अगर मैं मॉक टेस्ट को नहीं लगा जाती तो मेरे 5 हो जाते हैं। तो हम नीचे नहीं आनी थी, और मैं थोड़ा फ्रेश फ्रेश होने आए थे और पानी पीने आए थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पक रही थी और बाहर होली चल रही थी। तो हम कह रहे थे आज बहुत शोरगुल है, 5 टॉपिक हो गए और हमसे ज़्यादा पढ़ा नहीं जा रहा था, तो हम घर चलते हैं। आज हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, जैसे हम 3 बजे आ रहे थे तो हम 2 बजे ही छोड़ दी थी हमने लाइब्रेरी, क्योंकि आपको पता है बहुत थकावट हो जाती है अगर हम बहुत दिन बाद आते हैं तो, मन भी नहीं लगता लाइब्रेरी में, और इतने कम बच्चे थे और बाहर होली चल रही थी, शोर भी बहुत आ रहा था। तो इस वजह से हमने लाइब्रेरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि अंदर लाइब्रेरी में शोर आ रहा था तो हम भी नहीं पढ़ पा रहे थे। तो हमने सीधा लाइब्रेरी छोड़ी, पानी वानी पिया, एंट्री अपनी फिल की और हम घर के लिए निकल गए। उससे पहले मम्मी ने कुछ मार्केट से भी मंगाया था तो हमें वो भी लेके जाना था, तो हमने वो लिया। तो अभी हमने एंट्री, अब इसमें क्या है ना, एग्जिट वाली एंट्री थी ही नहीं, मतलब ना उसमें टाइमिंग, तो फिर वो हमने फिल ही नहीं किया, सीधा हम निकल लिए नीचे लाइब्रेरी के। और मैं आपको अब लास्ट में, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी होली ब्लॉग्स, वो मैं, ये है मेरी होली की क्लिप्स जिसमें मेरा भाई है, मेरी भाभी है और मैं हूँ। भाभी ने मुझे पकड़ रखा है और वो मेरे भाई से कह रही है कि इन पे गोबर मार दो, हमारे यहाँ कीचड़ की बहुत होली होती है। तो मेरे भाई ने मुझे छोड़कर भाभी में ही मार दिया, सामने मेरी मम्मा बैठी हैं। तो हमने कुछ ऐसे होली सेलिब्रेट की, आगे भी पिक्चर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो और आगे ये था कि हम सारे, मेरा भाई है बिक्की जो कि आर्मी में है, ये सामने जो आपको है ना विदाउट यूनिफॉर्म दिख रहा है वो मेरा भाई है जो कि कोटा से है, वो है ना कोटा से यहाँ होली खेलने आया था मथुरा। तो हमने उसे कुछ ऐसा कर दिया था, उसकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में है तो हमने उसे भी होली में रंग दिया था अपनी में। और ये कैप लगा के है ना जिसमें मैं हूँ, मेरी दोस्त आई थी घर पे खेलने के लिए, थोड़ा हमने डांस वांस किया। और ये मेरे चाची का लड़का है कजिन, जिसने मेरा फोन ले रखा था और भाभी ने उसे पूरा रंग दिया था, तो मैं अपना फोन निकाल ली थी कि कहीं भीग ना जाए। तो हमारे मथुरा में होती है ऐसी होली, और ये बाकी की थोड़ी सी पिक्चर्स हैं जो हमने एक दो दिन होली खेली। आपको मेरी, हमारे यहाँ की होली कैसी लगी, अगर आपको और पूरा ब्लॉग देखना है होली का, वो भी मेरे पास रखा है, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फुल ब्लॉग के लिए आपको कमेंट कर देना, एंड बाय बाय।